उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस क्रम में वह शुक्रवार सुबह लखनऊ पहुंचे। यहां से स्पेशल ट्रेन से नायडू अयोध्या रवाना हो गए। अयोध्या में उन्होंने पत्नी एम उषा नायडू के साथ रामलला का दर्शन किया। अयोध्या में संतों ने उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। रामलला के मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा की और फिर हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान बजरंगबली का भी दर्शन किया। उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार देर रात लगभग 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें 9 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल हैं। रात में जारी हुए सरकारी आदेश में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को अमरोहा का पुलिस कप्तान बनाया गया है। वह श्रीमती पूनम का स्थान लेंगे, जिन्हें एसपी पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मीट माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे मुरादाबाद के एसएसओ बबलू कुमार को वेटिंग में रखा गया है। शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तमाम राष्ट्रीय और राज्य कमेटियों को भंग कर दिया है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अब अगला राजनीतिक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इस क्रम में उनका यह पहला बड़ा कदम है। शिवपाल के इस कदम के दो मतलब लगाए जा रहे हैं। एक, या तो वे अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर वे भाजपा के साथ मिलने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव के 43 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 10 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। उधर स्कूलों में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। नोएडा के 4 स्कूलों में 26 केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही निजी स्कूलों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। माना जा रहा है कि नोएडा में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीड़ ने एक युवती को भगा ले जाने वाले जिम संचालक के घर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन इससे पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने वाले रुनकता चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। सिकंदरा थाना प्रभारी बलवान सिंह के खिलाफ जाँच शुरू कर दी गयी है। इसके अलावा 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।